मोदी भारत माता की भारत माता की वंदे 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 मोदी 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 भारत माता की भारत माता की यानंतर महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री विकासाच्या अजेंडा घेऊन सतत पक्षाला विजय मिळवून देणारे असे आपले लाडके मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्रजी फडणवीस यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदना अर्पित करतो आज या भव्य सभेला या ठिकाणी संबोधित करण्याकरता उपस्थित झालेले भारत देशाचे आपले लाडके पंतप्रधान आणि भारताचे प्रधान चौकीदार श्री नरेंद्र मोदीजी माननीय रामदास आठवलेजी गिरीश महाजनजी राम शिंदेजी विजयराव औटी खासदार दिलीप गांधीजी शिवाजीराव कर्डिले मोनिकाताई राजळे स्नेहलताई कोल्हे बाळासाहेब मुरकुटे बबनराव पाचपुते बाळासाहेब वाकळे चंद्रशेखर कदम अण्णासाहेब म्हस्के अभयजी आगरकर भानुदाजी बेरड शशिकांतजी गुडे सुनीलजी साळवे रवींद्रजी कोठारी आणि या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आपले उमेदवार शिर्डीचे उमेदवार खासदार सदाभाऊ लोखंडे आणि त्यासोबत नगरचे उमेदवार तरुण तडफदार डॉक्टर सुजय विखे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पांच वर्ष पूर्व इसी जगह पर आपने लोकसभा की सभा ली थी और ऐसी ही भीड़ उस समय थी आज उससे भी ज्यादा भीड़ है और आपकी एक सभा के कारण उस समय नगर और शिरडी ये दोनों सीटें बीजेपी शिवसेना जीती थी और आज ये लोग बता रहे हैं दिन भी वही है जगह भी वही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं पिछले बार से ज्यादा वोट लेकर ये दोनों सीटें हम जीतेंगे बंधु भगिनी नो आप है एकी कड़े आप उतरलो है और दूसरी कड़े विरोधक परिस्थिति का राष्ट्रवादी कैप्टन ओपनिंग बॅट्समन म्हणून उतरले आणि सात दिवसामध्ये बारावा खेळाडू म्हणून परत गेले म्हणाले मी लढतच नाही काय परिस्थिती आहे एकीकडे त्यांची अवस्था ही आहे आणि दुसरीकडे आपण मात्र एक युवा बॅट्समन उतरवलाय जो डॉक्टर आहे जो या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं इतक्या चांगल्या प्रकारे आपल्या सगळ्यांकरता नेतृत्व देणार आहे आणि आपल्या सर्वांना मला सांगायचं आहे खासदार गांधींनी देखील चांगलं काम केलं होतं गांधीजी चिंता करू नका आम्ही तुमच्याही पाठीशी उभं राहणार आहोत पण कधी कधी निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्याला काँग्रेस पक्षावर सर्जिकल स्ट्राईक करावा लागतो तो, तो सुजय विखेच्या माध्यमात एक सर्जिकल स्ट्राईक आपण केला आणि त्यातनं उभी काँग्रेस आपण हलवून टाकली मला विश्वास आहे या ठिकाणी डॉक्टर सुजय विखे असेल कि मी आमचे भाऊ असतील खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी शिर्डीच्या साईबाबांचा आशीर्वाद हा आपल्याला लाभलेला आहे आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो गेल्या चार वर्षामध्ये केंद्र सरकार असेल राज्य सरकार असेल यांच्या माध्यमातन मग तो कुकडीचा प्रश्न असो तो निवंडेचा प्रश्न असो तो या ठिकाणी निवडणे दोनचा प्रश्न असो या प्रत्येक प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात आपण निधी दिलाय त्याला मान्यता दिली आहे त्याची कामं सुरू केली आहे आणि मी तुम्हाला विश्वासानं सांगतो मोदीजींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इतकी मदत केली आहे की ज्या माध्यमातन पुढच्या काळामध्ये हा सगळा भाग सुजलाम सुफलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही खऱ्या अर्थानं ना, बंधू भगिनी खासदार साहेब आधी जे होते आदरणीय बाळासाहेब विखे पाटील हे नेहमी या ठिकाणी सांगायचे की जे पश्चिमी वाहिन्यांचं पाणी आहे ते जर या भागामध्ये आलं तर हा सगळा भाग सुजलाम सुफलाम होऊ शकतो आणि खऱ्या अर्थानं नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून अशाच प्रकारचा प्रकल्प हाती घेण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते आदरणीय मोदी साहेबांनी या ठिकाणी केलं की ज्याच्या माध्यमातून या भागाला सुजलाम सुफलाम करण्याचं काम हे आपण निश्चितपणे करणार आहोत मला सांगितलं पाहिजे या जिल्ह्यामधल्या शेतकऱ्यांना आम्ही तेवीसशे चौऱ्याऐंशी कोटी दोन हजार तीनशे चौऱ्याऐंशी कोटी रुपयाची मदत केली आणि वेगवेगळ्या मोदी साहेब आपल्या पाठीशी उभे राहिले आणि त्या माध्यमात न, हजारो कोटी रुपये दुष्काळाचा सामना करण्याकरता या महाराष्ट्राला त्यांनी दिले आज राष्ट्रीय महामार्गाकरता आठ हजार कोटी रुपये मिळाले ग्राम सडक योजनेत सातशे सत्तावन्न कोटी रुपये मिळाले वेगवेगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये या जिल्ह्यामध्ये आपण आणले आणि मला सांगताना आनंद वाटतो सुर मध्ये या भागामध्ये मोठी इंडस्ट्रियल इस्टेट आपण उघडली आणि केवळ इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू करणं आपण थांबलो नाही आज मोठे मोठे उद्योग त्या ठिकाणी आले आणि त्या उद्योगाच्या माध्यमातून सामान्य तरुणाईच्या हाताला काम देण्याचं आपण सुरू केलं आहे मी तुम्हाला एवढाच विश्वास देण्याकरता आलो आहे ज्या प्रचंड संख्येनं आपण उपस्थित आहात बंधू भगिनी न या देशाला खऱ्या अर्थानं विकासाकडे कोण नेऊ शकत तर आपल्या मनात शंका नाही आहे ते केवळ आणि केवळ मोदीजी नेऊ शकतात बंधू भगिनी न पाच सात दिवसापूर्वी राहुल गांधी आपल्या दोन तीन मित्रांना घेऊन उभे राहिले आणि म्हणाले मला सांगा एका मित्राला विचारलं मला सांगा माझा चेहरा मोदींसारखा दिसतो का तो म्हणाला नाही मग दुसऱ्याला विचारलं माझा चेहरा मोदींसारखा दिसतो का तो म्हणाला नाही मग तिसऱ्याला विचारलं का मी मोदींसारखा दिसतो का म्हणाले नाही मग म्हणाले मला समजतच नाही मी जिथे जातो तिथे लोक मोदी मोदी का ओरडतात ही अवस्था बंधू आज राहुल गांधींची आहे काँग्रेस असेल राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल ह्यांची अवस्था पस्त आहे आणि हा उभा महाराष्ट्र ज्यांनी या देशामध्ये खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीय अस्मिता काय असते या भारताची सुरक्षा काय असते पाकिस्तानला त्याची जागा दाखवून देणारे आमचे नेते मोदीजी यांच्या उभा महाराष्ट्र उभा राहील हा विश्वास मी व्यक्त करतो आणि माझं बोलणं संपवतो धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र यानंतर आपण ज्यांची वाट पाहत आहोत असे आपला अभिमान आपला स्वाभिमान भारताचे चौकीदार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्याशी संवाद करतात भारत माता की भारत माता की शिर्डी साईबाबाच्या सानिध्यात असलेला या नगरीला माझा नमन महाराष्ट्र अहमदनगर अहमदनगरचा सर्व बंधु भगिन्ना उद्याम नवमी या खूब खूब शुभेच्छा कुछ समय पहले जब मैं आपके बीच आशीर्वाद लेने आया था तब आपने जितना प्यार दिया था आज उससे भी अधिक स्नेह मैं इस समय महसूस कर रहा हूं और ये मेरा सौभाग्य है मैं आज आप लोगों से एक शिकायत करना चाहता हूं करूं क्या बुरा तो नहीं मानोगे ना अरे चुनाव है भाई कोई बुरा मान जाए तो मुसीबत हो जाए बुरा नहीं मानोगे ना करू शिकायत पक्का प्रमेस देखिए मैं पांच साल पहले इसी तारीख को आपके बीच में आया था लेकिन उस समय आधे लोग भी नहीं थे और आज क्या कारण है डबल से भी ज्यादा लोग हैं आपके इस प्यार को विश्वास को मैं नमन करता हूं भाई और बहनों वाकई आपने इतनी गर्मी में यहाँ आकर मुझ पर कर्ज और बढ़ा दिया है साथियों ये भूमि तप तपस्या की सेवा की श्रद्धा की सबका साथ सबका विकास की भूमि है साईं बाबा का संदेश हो या फिर लोकमान्य तिलक का स्वराज का संकल्प और अब के लिए हमारी यात्रा इसी धरती ने ऐसे महान संस्कार देश को दिए हैं आपके सहयोग से इन्हीं संस्कारों को मजबूत करने की कोशिश आपके इस सेवक ने भी की है बीते पांच वर्ष में जन भागीदार से चलने वाली एक मजबूत निर्णय लेने वाली सरकार दुनिया ने भारत में देखी है उससे पहले दस वर्ष तक याद है ना दस वर्ष कैसे गए रिमोट सरकार के दस वर्ष कैसे थे याद है ना? हर दिन अखबार में खबरें क्या आती थी हर दिन घोटाले गपले फैसले न लेना सरकार को भी दुनिया ने अच्छी तरह परखा है आज दुनिया भारत को महाशक्ति के रूप में अनुभव कर रही है तो बीते पांच वर्ष की आपकी मेहनत का परिणाम है अब आपको तय करना है जब इस बार आप वोट देने जाएंगे आप देश का फैसला करने जा रहे हैं देश किस दिशा में जाएगा इसका फैसला करने जा रहे हैं तो आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के भी कार। साथियों, एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी की महामिलावट की खोखले वादे और दूसरी तरफ एनडीए की महायुति के बुलंद इरादे पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको तय करने में और आसानी हो जाएगी जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो देश सिर्फ गांव ही जेलता था कभी मुंबई में बम धमाके कभी यहां पड़ोस में पुणे में धमाके होते थे आज आए दिन हम उस समय बम धमाके देखते थे आए दिन होते रहते थे कभी ट्रेन में धमाके कभी बस में धमाके कभी स्टेशन पे धमाके उन बम धमाकों में कौन मरता था इन बम धमाकों में कौन मरता था इन बम धमाकों में कौन मरता था हमारा किसान व्यापारी विद्यार्थी नौकरी पेशा मजदूर यानी हर किसी की जान पर संकट था पांच वर्ष में आपने इस चौकीदार की सरकार भी देखी है अब वो बम धमाके कहा गए साथियों इस चौकीदार ने आतंक के सरपरस्तों में ये डर बिठाया है कि उनकी एक भी गलती उन्हें भारी पड़ जाएगी ये चौकीदार उन्हें पाताल से भी खोज करके निकाल लाएगा और उन्हें सजा देगा भाई और बहनों याद करिए पहले जो सरकार थी वो पाकिस्तान के सामने दुनिया के सामने कैसे कमजोर लगती थी हमारे जवान बदला लेने की मांग करते थे लेकिन सर, सरकार को सांप सुंग जाता था चौकीदार की सरकार पाकिस्तान में आतंकियों के घर में घुसकर मारने के लिए अपने सपूतों को इजाजत देती है घर में घुसकर मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए अब भारत ने दुनिया के सामने दुहाई देना बंद कर दिया है आप मुझे बताइए आप इस मजबूत भारत से खुश हैं। घर में घुसकर आतंकियों को मारना की नाती आपको मंजूर है भाइयों और बहनों आप तो खुश हैं, लेकिन उनका क्या करेंगे जिन्होंने बरसों पहले देश की भावनाओं को समझना ही छोड़ दिया साथियों इस बार तो हद ही हो गई है कांग्रेस एनसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री बना देंगे मुझे कांग्रेस के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये पाप उन्हीं की पैदावार है लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि शरद राव पवार को क्या हो गया है अरे शरद राव आपने तो देश के नाम पर कांग्रेस छोड़ दी थी कांग्रेस को तोड़ दी थी अब देश में दो प्रधानमंत्री होने की बात पर आप कब तक चुप रहोगे कब तक चुप रहोगे ये दो प्रधानमंत्री वाली बात आपको मंजूर है जिस कश्मीर के लिए देश के हजारों जवानों ने बलिदान दिया क्या वो कश्मीर के टुकड़े होने देंगे क्या कांग्रेस से फिर हाथ मिलाने के बाद आप भी विदेशी चश्मे से भारत को देखने लग गए अरे शरद राव आपकी पार्टी का नाम तो राष्ट्रवादी रखा है आपने क्या ये नाम भी जनता की आंख में धूल झोंकने लिए डाला है क्या आपके साथी खुलेआम भारत में दो प्रधानमंत्री होने की बात कर रहे हैं अरे छत्रपति शिवाजी की धरती के होकर आपको नींद कैसे आ रही है शरद राव भाई और बहनों कांग्रेस जम्मू कश्मीर से सेना को हटाने की बात कर रही है कांग्रेस कह रही है कि जवानों को मिला विशेष अधिकार हटा देगी मैं महाराष्ट्र और देश के फर्स्ट टाइम वोटर से भी पूछना चाहूंगा जो पहली बार 21वीं सदी में पैदा होने के बाद इस बार देश की सरकार के लिए वोट देने के लिए जाने वाले हैं जिन्होंने 18 साल पूरे किए हैं मैं उनसे अपील करना चाहता हूं क्या देश की सुरक्षा पर पहले की सरकारों का कमजोर रवैया ये मेरे नौजवानों को मंजूर है मंजूर है क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता इन लोगों को मंजूर है क्या 21वीं सदी का भारत ऐसे कमजोर देश के तौर पर होनी चाहिए भाइयों और बहनों जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हर देशवासी का हित भी सुरक्षित होगा देश का भविष्य सुरक्षित होगा मुझे खुशी है कि पूरा देश राष्ट्र रक्षा के लिए एक सुर में बात कर रहा है यदि विश्वास मेरी ताकत रहा है जिसके दम पर मैं बड़े और कड़े फैसले ले पाया बड़े संकल्पों को पूरा कर पाया साथियों पिछले पांच सालों में महाराष्ट्र के लाखों गरीबों को अपने पक्के घर 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 मिले हर घर में बिजली मिली घर घर में शौचालय बने और हमारी माता बहनों के मुझे विशेष आशीर्वाद है ऐसे परिवारों में जो गैस के चूल्हे के लिए इंतजार करते थे एलपीजी गैस का कनेक्शन भी मिल गया ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि आपने ईमानदार सरकार को वोट दिया जो हमारे गुमंत समुदाय है जैसे कि हमारा बंजारा समाज है वो अलग अलग कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं इस समाज को सरकारी मदद सही तरीके से मिल सके इसलिए आयोग बनाने का ऐतिहासिक फैसला भी आपके वोट के कारण ही हो पा रहा है आज स्वरोजगार के लिए करोड़ों युवा साथियों को अगर बैंक से बिना गारंटी का लोन मिल रहा है तो उसके पीछे भी आपका वोट है आपके वोट की ताकत है गांव 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 में सड़के ये बाईपास पुराने लटके भटके रेलवे प्रोजेक्ट आज तेजी से पूरे हो रहे हैं तो इसके पीछे अगर सबसे बड़ी ताकत है तो आपका वोट है भाई और बहनों कल 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी फुले शाहू आंबेडकर विचारधारा को कार्य रूप देने के लिए उस तरह का हृदय आवश्यक होता है ऐसा हृदय व्यक्तिगत स्वार्थ और परिवार के स्वार्थ की राजनीति करने वालों में नहीं हो सकता इसी सोच के साथ हमारी सरकार शेतकारी समाज की भी छोटी छोटी दिक्कतों का ध्यान रख रही है पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सीधे बैंक खाते में रुपया जमा करने का काम भी जारी है लाखों परिवारों के खेतों में उनके खाते के अंदर ऐसे परिवारों के खाते के अंदर पैसा पहुंच चुका है और बाकियों को भी जल्द ही जल्द पैसा पहुंच जाएगा साथियों भाजपा एनडीए ने इस बार बड़े संकल्प लिए हैं मई की तेईस तारीख के बाद जब फिर मोदी सरकार आएगी एक बार, एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर जब मोदी सरकार आएगी तो उसके बाद पीएम किसान योजना जिसमें हमने बदलाव करना तय किया है अभी पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को उसका लाभ मिलता है लेकिन 23 मई के बाद नई सरकार बनने के बाद हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा साथ ही दिन रात मेहनत करने वाले जो छोटे किसान है उनको 60 साल के बाद नियमित पेंशन मिले इसका भी प्रबंध किया जाएगा किसान को पेंशन ये पहले किसी ने सोचा नहीं था जिस तरह लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य का वादा हमने निभाया ये संकल्प भी हम पूरा करने वाले हैं उपज की उचित कीमत मिले ये सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं भाइयों और बहनों हाल ही में हमारी सरकार ने पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट का कार्ड देने का उसका लाभ देना शुरू किया है मछुआरों को भी ये लाभ मिलेगा ऐसे ही गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं देश भर में इसके लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं भाई और बहनों पानी को लेकर इस एनडीए की सरकार का काम आपके सामने है देवी अहल्याबाई होलकर ने जिस तरह गांव गांव कुएं और बावड़िया खोलने का अभियान छेड़ा था उसी तरह यहाँ की हमारी सरकार भी काम कर रही है हमारा प्रयास है कि नदियों का पानी जो कोंकण के समुद्र में बह जाता है उसका सदुपयोग हो किसान को पानी मिले इसके लिए फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी तो एक विशेष जल शक्ति मंत्रालय बनाने का संकल्प हमने लिया है सिर्फ पानी के लिए एक अलग मंत्रालय होगा अगर पानी की समस्या का समाधान करें, तो किसान को कभी समस्या पैदा ही नहीं होगी इसके माध्यम से देश की नदियों का या समंदर का पानी कैसे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया जा सकता है डिसेलिनेशन किया जा सकता है इसके लिए काम किया जाएगा साथियों एक तरफ हमारे संकल्प है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के ढकोसले हैं एक तरफ पानी के लिए महायुति सरकार के काम है तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले और अजय अजीत परिवार के शर्मनाक बयान है ऐसे ही अपराधों की वजह से देश के लोगों ने कांग्रेस का मन और कांग्रेस की नीयत को अच्छी तरह जान लिया है पहचान लिया है और इसलिए अब जनता ने ही नया नारा दे दिया है कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ तभी देश में गरीबी दूर होगी कांग्रेस हटाओ तभी देश आगे बढ़ेगा कांग्रेस हटाओ तभी देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा कांग्रेस हटाओ तभी देश में सबका साथ सबका विकास हो पाएगा कांग्रेस हटाओ तभी देश में घोटाले और भ्रष्टाचार से भारत मुक्त हो पाएगा भाइयों और बहनों इस बार आपका एक एक वोट महायुति के समर्थन के साथ ही कांग्रेस और उसके साथियों को सजा देने के लिए भी होना चाहिए याद रखिएगा ये भारत को लूटते रहे हैं महाराष्ट्र को लूटते रहे हैं ये लोग गरीब किसानों के दुश्मन है महाराष्ट्र की जनता के दुश्मन है हर देशवासी की आकांक्षा उनके लिए आंख में खटकती है इस चुनाव में भी कांग्रेस ने जिस तरह तुगलक रोड चुनावी घोटाला किया है वो देश देख रहा है हमारे नौजवान वोटर देख रहे हैं मालूम है, है ना तुगलक रोड चुनावी घोटाला नहीं है ना मालूम ऐसी बातें अखबार में जरा कम आती है लेकिन टीवी पर आपने नोटों के बंडल के बंडल देखे होंगे तुगलक रोड दिल्ली के अंदर एक रोड है उस पर एक बड़ा शानदार बंगला है उस पर एक नेताजी रहते हैं और वहां कैसे कैसे खेल खेले गए उसका कच्चा चिट्ठा निकल करके बाहर आए और क्या है मध्य प्रदेश से बोरे बोरे भरकर के रुपये वहां आए और जो पैसा गरीब बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा गया था वो पैसा लूटकर कांग्रेस चुनाव में लगा रही है ऐसे भ्रष्टाचार को माफ करेंगे क्या भ्रष्टाचार को सहन करेंगे अभी तो मध्य प्रदेश की सरकार अभी अभी बनी है और इतने दिनों में उन्होंने बिल्कुल चारों तरफ से जमा करना शुरू कर दिया उनकी आदत जाती ही नहीं है दिल्ली के तुगलक रोड में बोरा भर भर के मिल रही नोटों की गड्डिया कांग्रेस की असली पहचान है भाइयों बहनों ये चौकीदार चौकन्ना है ये चौकीदार ईमानदार है और तभी तो इन चोरों को पकड़ गए पकड़ पाया भाई और बहनों इतिहास साक्षी है कि भारत में स्वराज की परिकल्पना सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी मेरी आकांक्षा है कि स्वराज स्थापित करने के एनडीए के काम को आगे बढ़कर शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। महाराष्ट्र के सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि केंद्र में मुझे मजबूत करने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाइए जहां हमारे महायुति के मेंबर लड़ रहे हैं बाण उनके लिए बटन दबाइए और जब आप कमल पे बटन दबाएंगे धनुष पर बटन दबाएंगे आप विश्वास रखिए वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा आपका एक वोट इस चौकीदार को मजबूत करेगा खोटी नियत वालों को दूर करेगा अब आप एक